नाज़रीन, स्वीडन में इंतहाई शर्मनाक वाकया पेश आया जहाँ पे कुरान पाक की बेहुरमती और गुस्ताखी की गई, मुसलमानों के दिलों को मजरूह किया गया, दिलों को दुखाया गया। तमाम मुस्लिम उम्मा इस वक्त गुस्से में मुबतला है, गम का इजहार कर रही है, एहतजाज है, सरापा एहतजाज है, पूरी दुनिया में मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। उनकी सतह पर कुरान मजीद को जलाने की सदारत की गई, ये एक इंतहाई गुस्ताखाना अमल है। ये बकायदा किसी तंजीम की या किसी रियासत की पॉलिसी का हिस्सा है। असल में ये हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे लीडर हैं, जिनकी वजह से आज ये नौबत आई है। मैं नहीं समझता कि जब तक हम माली लिहाज से और मौशी लिहाज से मजबूत नहीं हो जाते, हम कोई मजबूत मौके पेश करें। दुनिया के यहूद नसारा को ये बता दें कि मुसलमान जो है उसका जीना मरना ईमान पर है, और अगर कहीं भी कोई आंच ऐसी आती है तो हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, स्वीडन में इंतहाई शर्मनाक वाकया पेश आया जहां पे कुरान पाक की बेहुरमती और गुस्ताखी की गई, मुसलमानों के दिलों को मजरूह किया गया, दिलों को दुखाया गया। तमाम मुस्लिम उम्मा इस वक्त गुस्से में मुबतला है, गम का इजहार कर रही है, एहतजाज है, सरापा एहतजाज है, पूरी दुनिया में मुसलमान एहतजाज कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में भी सहाफ़ती बरादरी जो है वो एहतजाज कर रही है। बीएंगे मुस्लिम, कोई बंदा इससे पीछे नहीं रह सकता कि कुरान पाक की गुस्ताखी हो और हम चुप रहें। ये जो गुस्ताखी करने वाले हैं, इनको शटअप कॉल देने के लिए, इनको बताने के लिए कि हमारे दिल दुखते हैं, हमारी ये आसमानी किताब है, हमारे नबी पे ये नाजल हुई, हमारे लिए कुरान पाक ही सब कुछ है। सहाफ़ती बरादरी इकट्ठा होकर एक दुनिया को मैसेज दे रही है कि पाकिस्तान की सहाफ़ती बरादरी पे सरापा एहतजाज है और इस इकदाम को इंतहाई गुस्से से देखती है, जो शर्मनाक इकदाम किया गया है। आइए सहाफ़ती बरादरी से इनके व्यूज़ लेते हैं कि इस गुस्ताखी के ऊपर कितना गुस्सा है, क्या इनका लाहे अमल है, और हुकूमत क्या कर रही है, और आइंदा हमें मिलकर क्या करना चाहिए, आइए इनसे जानते हैं। मैं इंतहाई पुरजोर मजम्मत करता हूँ स्वीडन की हुकूमत के हवाले से कि जो हुकूमती सतह पर कुरान मजीद को जलाने की सदारत की गई, ये एक इंतहाई गुस्ताखाना अमल है, और वो भी ईद के दिन जब मुसलमानों का ईद का त्यौहार हो और ये हुकूमती सतह पर उसकी मंजूरी के बाद किया गया, ये इंतहाई गलत कदम है। और हम अपने हुकूमत वाला से ये अपील करते हैं कि स्वीडन के जो हुकूमत है उसकी तमाम प्रोडक्ट और तमाम मामलात को बाइकॉट किया जाए और सख्ती से इसके ऊपर अमल किया जाए और नोटिस लिया जाए। और तमाम मुस्लिम उम्मा को मैं ये अहद करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि आज हमारे जो 57 ममालक हैं इस्लामी ममालक, उन्होंने OIC तो बुलवा कर ये फैसला कर लिया, लेकिन अभी तक बहुत सारे ममालक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक स्वीडन के जो सफीर हैं उनको निकाला नहीं और उनको बाइकॉट नहीं किया। अगर दुनिया में तमाम मुस्लिम मुबारक 2 अरब की आबादी अगर इकट्ठी हो जाए और स्वीडन की हुकूमत का बाइकॉट करे तो मुझे लगता है यहूद नसारा को। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि ये वाकया कोई इनफरादी वाकया नहीं है, ये वाकया का एक तसलसल है जो पिछले तकरीबन कोई एक डिकेड से जारी है, तकरीबन एक अशरे से, और उसका बुनियादी मकसद यही है कि वो मुसलमानों के मुकदसात और उनकी मुकदस हस्तियों को निशाना बना रहे हैं। ये बकायदा किसी तंजीम की या किसी रियासत की पॉलिसी का हिस्सा है, और हमें भी तमाम मुसलमानों को चाहिए कि इस पर एक बयानिया, जो एक कोरिलेटेड बयानिया हो, वो उसको फ़रोग दें, और ऐसे वाक़ात का तदारक के लिए इनको मुश्तरक कोशिशें करनी चाहिए जैसे वो कर रहे हैं। सर, ये बकायदा परमिशन से हुआ है, ये एक वाकया नहीं है, ये प्री प्लान्ड वाकया है, तो ये किसने करवाया है, मुसलमानों को क्या करना चाहते हैं? देखो, इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि वो जंग को ना दुनिया में जारी रखना चाहते हैं। उसकी एक वजूहत ये है कि असले की जितनी फैक्ट्रीज हैं ना, उनको जू कंट्रोल करते हैं, और जू का एजेंडा यही है कि दुनिया में जंग होती रहे, नफरत के अलावा जलते रहे, और उनका जो बिजनेस है वो भी चलता है। हमें क्या स्टेप लेना चाहिए? वजह ये है कि यूक्रेन में कुछ, मैं ये समझता हूँ कि चीनिया की मुदाखलत की वजह से भी मुसलमानों के खिलाफ जो एक नफरत है ना, उधर थोड़ी सी ज़्यादा हुई है। वैसे वो शुरू से ही जो अहले मगरब है ना, वो मुतसब भी हैं और वो नस्ल परस्त भी हैं, वो दूसरों को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते अपने मुकाबले में, और वो समझते हैं कि दूसरों के जो मुकदसात हैं वो भी, और दूसरों की जो मुकदस हस्तियाँ हैं वो भी, और तमाम जो हैं वो कमतर लेवल की हैं, और हम जो सोच रहे हैं इसमें एक मसला जो है वो माबाद व जदीदियत का जो फलसफा है ना, जिसमें अलहाद और वर्चुअलिटी और ऐसी चीज़ें जो आ गई हैं, उसने भी उनके अंदर ऐसे जज्बात को प्रमोट किया है। देखिए, जब सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही नाजिल हुई थी तो यहूदो निसारा की साजिशें
उसी वक्त शुरू हो चुकी थी और आज ये जो वाकया कुरान पाक के मुतल्लिक हुआ है ये उस मंसूबे का शाखसाना है जो जनाबे सरवरे कायनात के दौरे रिसालत से चला आ रहा है। तो ये कोई एक इत्तफाकिया वाकया नहीं है, एक बाकायदा मंसूबा बना है। मुसलमानों को क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए? ऐसे हमने देखा है पहले गुस्ताखियाँ हुई हैं, लोग इकट्ठे होते हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। ये ऐसा इशू है, कोई मुसलमान इससे पीछे नहीं रह सकता। दिल में सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे इकट्ठे हो गए अपना अपना एहतजाज, पूरी मुस्लिम उम्मा मुख्तलिफ अंदाज में रिकॉर्ड करवा रही है। आप क्या समझते हैं कि हमारे इस मैसेज से कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, मेरा ताल्लुक जो कि एक दरबार से है, मैं उस हवाले से बात करूंगा कि इनकलाब के दो तरीके होते हैं, एक होता है इनकलाब इनफरादी और एक होता है मजमुई। जब तक हम इनफरादी तौर पे सही कोशिश नहीं करेंगे, मजमुई तौर पे हमेशा नाकाम रहेंगे। हमें सबसे पहले अपनी जिंदगियों को कुरान के सांचे में ढालना होगा, उसके बाद खुद ब खुद ही जो है ना मजमुई तौर पे कुरान के असरात जो है ना वो दुनिया में फैलने शुरू हो जाएंगे। कब तक हम एहतजाज करते रहेंगे, कब तक ऐसे हम एहतजाज करते रहेंगे और ये वाकयात होते रहेंगे? इसके ऊपर शटअप कॉल देने की ज़रूरत है। किस लेवल के ऊपर मुसलमानों को इकट्ठा होकर एक मैसेज देना चाहिए? असल में ये हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हमारे लीडर हैं, जिनकी वजह से आज ये नौबत आई है। अगर कोई भी इनके अंदर अमान का जज्बा होता और ये लोग एक मुतहद होकर शटअप की कॉल करते और उसका बाइकआउट करते, और आज 2 करोड़ मुसलमानों का, 2 अरब मुसलमान जो दुनिया में मौजूद हैं और उनको बार बार ऐसे गुस्ताखाना अमल से गुजरना पड़ता है जिसमें कभी कुरान जीत की बरहमती, कभी आका सल्लम के खाके, तो हमें इस चीज़ से सबक लेना चाहिए कि हम दुनिया के यहूद नसारा को ये बता दें कि मुसलमान जो है उसका जीना मरना ईमान पर है, और अगर कहीं भी कोई आँच ऐसी आती है तो हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। और हम ये हुकूमत बाला से अपील करते हैं कि इसके ऊपर सख्ती से जो है ना, उन्होंने सारा इजलास बुलाया है, बस इजलास में कार्रवाई होगी, खाना पूरी होगी, फोटो सेशन होगा, उसके बाद क्या होगा? यही तो दर्द है। आज हमें, हमारा दिल जो है वो खून के आंसू रोता है और हमें इस बात पे तकलीफ़ होती है कि काश इनके अंदर, हम मुसलमानों के अंदर जो अमानी जज्बा है, वो मुझे अल्लामा इकबाल का शेर यहाँ पे याद आता है कि मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है जो बरसों से नमाजी बन ना सका। असल में हम लोग मुसलमान जो हैं वो अलामती तौर पे मुसलमान हैं, लेकिन बहुत सारा जो अगर हम लोग इकट्ठे होकर ये अहद कर लें तो ये यहूद नसारा के तमाम प्रोपोग्राम जो हैं या प्रोपोगंडे ख़त्म कर दिए जा सकते हैं। शुक्रिया सर। इसके लिए मेरे ख्याल में एक वेल कंसर्टेड और वेल कोरिलेटेड प्लान होना चाहिए, उसके बगैर तो ये बात कभी मुमकिन नहीं। ये इनफरादी तौर पर एहतजाज जो होते हैं ना, ये इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं साबित हो सकते और ना ही इनकी आवाज़ जो है एक लेवल से ऊपर जा सकती है। ये रियासती सतह पर होने वाले काम है, हमारी रियासत को इस बारे में सोचना है और अपनी दीगर जो बरदर इस्लामी रियासत उनको अपने साथ में लाना है और फिर हमें अपना आगे बढ़ना है। सर, हर हुकूमत आती है, कोई भी हुकूमत हो, उसके दौरान अगर गुस्ताखी ऐसे वाकयात हों तो वो मजम्मत करती है, एहतजाज करती है। इस हुकूमत से आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि किस लेवल तक ये आवाज़ बुलंद कर सकते हैं? मैं नहीं समझता कि जब तक हम माली लिहाज से और मुआशी लिहाज से मजबूत नहीं हो जाते, हम कोई मजबूत मौका सामने पेश कर सकते मदे हुए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, आप फलस्तीन का मामला लें, बैतुल मकदस का मामला लें, म्यांमार का मामला लें, यमन का मामला लें, इजलासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हमने अमली काम नहीं करना तब तक हम जो है वो उसकी तासीर नहीं देख सकते किसी भी अमल की। अमली काम करना चाहिए, मुजम्मतों से एहतजाजों से कभी कुछ नहीं हासिल होता। नाज़रीन, आपने देखा जो कि सहाफ़ती बरादरी है, समाजी सोशल लोग हैं जो कि सहाफ़ती बरादरी इकट्ठी हो गए, एक मैसेज दे रही है कि स्वीडन में जो इंतहाई घटिया हरकत की गई है इसके ऊपर हर मुसलमान सीख पा है और ये शटअप कॉल देते हैं पूरी दुनिया को, जो कि ये करवाते हैं उनकी सपोर्ट करते हैं। इन वाकयात को रुकना चाहिए क्योंकि मुसलमान का दिल दुखता है। हमारी मुकद्दस किताब है, जैसे उनकी मुकद्दस किताबें हैं वो किसी को मानते हैं, ऐसे ही मुसलमानों के भी नबी हैं और इनको पूरा हक है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का, इनको पूरा हक है एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। आवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तियाबी पर आवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल,
शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। वो न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना आवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुतालिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा। पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी साथ खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।